स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस का कोड है 086 का सेक्शन बी। सेक्शन ए हो चुका है, चलिए फटाफट से करते हैं हम सेक्शन बी। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट दैट टू यूज ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम के जो यूज है वो पूछा है, तो हम बता पेट्रोलियम के क्या यूज है। पेट्रोल का यूज है हीटिंग एंड लाइटिंग, दोनों किससे के थ्रू हम कर सकते हैं, पेट्रोल के द्वारा होती है ये आपको पता ही है, हीटिंग और लाइटिंग। दूसरा लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट के रूप में भी हम पेट्रोल का यूज कर सकते हैं। तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, अगर ट्रांसपोर्टेशन देखा ना, टेम्पू ट्रक किसके द्वारा चलते हैं, टेम्पू ट्रक किसके द्वारा चलते हैं, पेट्रोल के द्वारा चलते हैं। और इंडस्ट्रियल पावर, देखा होगा हमने कि फैक्ट्री वगैरह में जो है लाइट वगैरह के लिए जनरेटर चलाने के लिए भी हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, उसके लिए भी हम पेट्रोल का यूज करते हैं। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन टू का ऑप्शन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। तो बेटा जो एग्जॉस्टेबल होते हैं वो तुम्हें पता है कौन से होता है, एग्जॉस्टेबल जो खत्म हो जाए, इनएग्जॉस्टेबल। तो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं जो खत्म होने वाले हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। अगर इनका ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएंगे। इनएग्जॉस्टेबल जो कभी खत्म नहीं होते, यानी जो अनलिमिटेड है, यानी सनलाइट और एयर ये कभी खत्म नहीं होती। इसलिए आज की डेट में गवर्नमेंट क्या कह रही है कि आप सोलर एनर्जी का ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि सनलाइट का यूज़ करें, ना कि आप इलेक्ट्रिसिटी या जो पेट्रोलियम से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी है उसका यूज़ करें, क्योंकि सनलाइट क्या है, एक अनलिमिटेड रिसोर्स है। एयर क्या है, एक अनलिमिटेड रिसोर्स है। तो ये इनएग्जॉस्टेबल है, और पेट्रोलियम और नेचुरल क्या है, ये एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि अगर हम इनका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आने वाले समय में ये एंड हो जाएंगे। क्वेश्चन थर्ड है अ मेटल डिस्क फिल्ड विद वाटर इज स्ट्राइकिंग एट इट्स एज विद अ स्पून, व्हाट चेंज कैन बी ऑब्जर्व। तो हम क्या चेंज ऑब्जर्व करेंगे ऑन स्ट्राइकिंग द मेटल डिश, ऑन स्ट्राइकिंग द मेटल डिश वी हियर एंड ऑन टचिंग इट वी फील द डिश वाइब्रेटिंग। जब हम किसी मेटल डिश को कहीं पे टकराएंगे तो हमारे को सुनाई देगा कुछ, और जब हम उसे टच करेंगे तो हमारे को क्या होगा, वाइब्रेशन फील होगा। स्ट्राइकिंग द डिश विद अ वाटर वी सी सर्कुलर वेव आर प्रोड्यूस। और जब भी हम क्या करेंगे, जो डिश है उसको क्या करेंगे, विद वाटर के साथ स्ट्राइक कराएंगे, तो हमारे को एक सर्कुलर वेव जो है प्रोड्यूस होती दिखाई देगी, बनती हुई दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग गिव इट यूज। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ प्लेटिंग अ मेटल, कौन सी मेटल, जिंक, ऑन द अदर मेटल, कौन सी मेटल, आयरन, बाई हाइड्रोलाइसिस टू प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ मेटल, मेटल को कोरोजन से बचाने के लिए। कहना चाहता है ऐसा तरीका जिसमें जिंक को हम क्या करते हैं, आयरन के ऊपर चढ़ा देते हैं, ठीक है, और जिस प्रोसेस से चढ़ाते हैं उसका नाम होता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस से जिससे क्या होता है, उस मेटल में कभी भी कोरोजन नहीं लगता, जंग नहीं लगता, स्टील बन जाता है। स्टील के ऊपर वो पेंट करता है क्योंकि स्टील शाइनिंग होती है, और स्टील की जो चमक है वो कैसे बन रही है, क्योंकि उसके ऊपर जिंक को चढ़ा दिया गया, किसके ऊपर, आयरन को, और वो बन गया क्या, स्टील। और इससे क्या होगा, उसमें जंग नहीं लगेगा। उसके अलावा डेकोरेटिव पर्पस के लिए हम ऐसा काम करते हैं, देखा होगा लोग अपने घर के आजकल लोहे की जगह क्या करते हैं, स्टील के दरवाजे लगाते हैं, स्टील की रेलिंग लगाते हैं, यानी इवन कारों में भी क्रोम वर्क करवा देते हैं स्टील वाला। तो ये सब क्या है, डेकोरेटिव पर्पस में भी ये काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, देखो जरा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदर विच ऑफ द मटेरियल्स आर गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर वो होंगे बेटा जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, पुअर कंडक्टर वो होंगे जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। अगर सिंपल भाषा में समझे, गुड कंडक्टर क्या है, जैसे कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, पास हो सकती है ना। और अगर बेड कंडक्टर की बात करें तो वुड है, प्लास्टिक है, क्या उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो बेड कंडक्टर है। पर हमें यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिए हैं इनके हिसाब से सोचना है, तो यहाँ पे गुड कंडक्टर होगा लेमन जूस और टेप वाटर, यानी जो पानी नलके से आता है या नींबू पानी, इन दोनों को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला गया है। बैड या पुअर कंडक्टर क्या है, हनी और ऑयल ऑफ केरोसिन, केरोसिन के ऑयल में और हनी में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, तो ये दोनों क्या है, बैड कंडक्टर है, इसके ऑप्शन के हिसाब से। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला बेटा डिफरेंस बिटवीन द वीवी पोरस एंड ओवी पोरस एनिमल्स। तो क्या होते हैं वीवी पोरस एनिमल्स, आर एनिमल्स दैट गिव बर्थ डायरेक्टली टू देयर काइंड। वीवी पोरस वो होते हैं जो अपने जैसे को ही क्या करते हैं, बर्थ देते हैं, जैसे बिल्ली बिल्ली के बच्चे को भी बर्थ देगी, कुत्ता कुत्ते के बच्चे को देगा, शेर शेर के बच्चे को देगा, ह्यूमन बीइंग को ही देगा। तो हम क्या है, वीवी पोरस।
दोज इंडिविजुअल ग्रो अप एंड लिव, और इंडिविजुअली ग्रो होते हैं लिव करते हैं। ओविपोरस एनिमल्स आर एनिमल्स दैट डू नॉट गिव बर्थ टू देयर काइंड। ओविपोरस वो होते हैं जो अपने जैसे को बर्थ नहीं देते, मतलब अपने जैसे को नहीं पैदा करते। इंस्टेंट दे ले एग दैट आर आइदर फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज। वो क्या करते हैं, वो अंडों को क्या करते हैं, अंडों को देते हैं। जैसे बर्ड्स हैं वो अंडों को देती है, चिकन है वो अंडे पैदा करती है, स्नेक है वो अंडे देता है। तो कुछ अंडे तो मुर्गी बन जाते हैं और कुछ अंडे मुर्गी की जगह ऑमलेट बन जाते हैं। क्लियर हो गया? तो जब वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करके बच्चा पैदा करते हैं, तो बच्चे की जगह क्या पैदा कर देते हैं, अंडे दे देते हैं। तो जो अंडे देते हैं वो ओविपोरस होते हैं, और जो अंडे की जगह यंग वंस अपने जैसे बच्चे देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, विवीपोरस। क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 है, व्हाट इज मेटामॉर्फिस, गिव एग्जांपल। मेटामॉर्फिस होते क्या है, और एग्जांपल द ट्रांसफर ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट इन्वॉल्विंग सडन एंड सीरियस ऑफ कंटिन्यूअस चेंज इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल ड्यूरिंग द इट्स लाइफ साइकिल इज कॉल्ड मेटामॉर्फिसिस। तो मेटामॉर्फिस क्या होती है, जब हम लार्वा जो है क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, एडल्ट उसमें इन्वॉल्व होते हैं, सडनली क्या होता है, वो सीरीज लगातार चलती चली जाती है एनिमल की लाइफ साइकिल तक चलता है, उसे क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिसिस। और मेटामॉर्फिसिस से जो मेटामॉर्फिस के साइकिल के द्वारा पैदा होते हैं वो फ्रॉग होते हैं और बटरफ्लाई। बटरफ्लाई और फ्रॉग क्या है, मेटामॉर्फिस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई पोर्टर्स प्लेस अ राउंड पीस ऑफ अ क्लॉथ ऑन देयर हैंड व्हेन दे हैव टू कैरी हैवी लोड। जो पोर्टर्स होते हैं वो राउंड पीस ऑफ क्लॉथ अपने हेड पे, यानी सर पे क्यों रखते हैं, जो कूली होते हैं जो सामान उठाने वाले होते हैं वो अपने सर पे एक गोला सा बना के रखते हैं ना, ऐसा वो क्यों करते हैं। तो द व्हेन पोर्टर प्लेस अ राउंड पीस ऑफ अ क्लॉथ ऑन देयर हैंड, जब अपने सर पर वो गोला सा यानी वो कपड़े का जो गोला होता है बनाकर रखते हैं, इट रिड्यूस द प्रेशर, उससे क्या होता है उनका प्रेशर कम हो जाता है ऑन देयर हेड, उनके हेड पे, एंड द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इंक्रीज, और एरिया बढ़ जाता है। जब भी हम ऐसा करेंगे, अगर डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन आता है बैग की जो बद्दी होती है पतली बद्दियाँ, बैग भारी हो जाता है, चौड़ी बद्दी वाला आसान होता है उठाना, ऐसा क्यों, तो क्योंकि उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ऐसे यहाँ पे पोर्टर ऐसा क्यों करते हैं, ताकि क्या हो जाए, उनका प्रेशर कम हो जाए। प्रेशर कब कम होगा, जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। क्वेश्चन 8 है, हाउ हैज बीन पेट्रोलियम फॉर्म, पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है। तो पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। तो पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है, उन ऑर्गेनिज्म से जो सी में रहते हैं। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड देयर बॉडी सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कन्वर्टेड विद लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। उसकी जो उनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, बॉटम में सेटल हो जाती है, और जो सी है वो क्या करता है, उनकी उसे लेयर में कन्वर्ट कर देता है सैंड और क्ले में। क्लियर है बेटा, सैंड और ले में क्या कर देता है, उसे कन्वर्ट कर देता है ओवर मिलियंस ऑफ ईयर विद द हाई टेम्परेचर, और कई सालों के हाई टेम्परेचर के बाद, हाई प्रेशर के बाद, एंड द एब्सेंस ऑफ एयर ट्रांसफॉर्मेशन, और वहाँ पे कोई हवा ना होने के कारण द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू द पेट्रोलियम। वो डेड ऑर्गेनिज्म किस में बदल जाते हैं, पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में। समझ आया? तो क्या होता है, पहले वो लंबे समय तक क्या रहते हैं, मरी हुई चीजें सी में रहती हैं, उसके बाद कई सालों तक वो जो है कंटिन्यू वहाँ पड़ी रहने के बाद क्या होता है, उनमें टेम्परेचर, हाई प्रेशर, एब्सेंस ऑफ एयर के कारण वो क्या बन जा कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें, वो हो जाते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस में। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, सपोज द स्टिक इज स्टक अगेंस्ट द फ्राइंग पैन विच इज कैप्ट इन वैक्यूम। जब कोई स्टिक फ्राइंग पैन में टकराएगी तो बताओ कौन सी चीज वैक्यूम में होगी, विल फ्राइंग पैन वाइब्रेट, और क्या फ्राइंग पैन वाइब्रेट करेगा, द फ्राइंग पैन विल वाइब्रेट, फ्राइंग पैन वाइब्रेट करेगा, वी विल नॉट बी एबल टू हियर द साउंड ऑफ वाइब्रेशन, हालांकि हम उसका साउंड नहीं सुन पाएंगे, बिकॉज साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। पर ऐसा क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि साउंड जो है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता, इस कारण से, जबकि फ्राइंग पैन क्या करेगा, वाइब्रेट तो करेगा मगर वैक्यूम में साउंड ना चल पाने के कारण हम सुन नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है, विल वी एबल टू हियर द साउंड, और एक्सप्लेन करना है इसको, ठीक है, तो हम इसको साउंड को नहीं सुन पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो साउंड किसमें है, वो साउंड है वैक्यूम में। क्वेश्चन में आंसर पूछा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईयर ड्रम, ईयर ड्रम का फंक्शन क्या है, तो ईयर ड्रम इज अ थिन सर्कुलर लेयर ऑफ टिश्यू दैट सेपरेट योर आउटर ईयर फ्रॉम योर मिडिल ईयर, जो हमारे आउटर ईयर को मिडिल ईयर से सेपरेट करती है। फिर पूछा है, डज द साउंड नीड द मीडियम टू ट्रेवल, तो साउंड को क्या किसी मीडियम की जरूरत होती है, तो हम बोलेंगे यस,
साउंड वेव नीड अ मीडियम टू ट्रेवल. साउंड वेव ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड इट रिक्वायर मटेरियल ऑफ मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन. तो साउंड को मीडियम की जरूरत होती है क्योंकि साउंड वैक्यूम में ही ट्रेवल नहीं करता. सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में क्या करता है, साउंड ट्रेवल करता है. इसके अलावा क्या पूछा है, इसमें पूछा है सिंबल ऑफ हर्ट्ज. तो सिंबल जो है हर्ट्ज का आपको बताना है, तो वो क्या होता है, सिंबल ऑफ हर्ट्ज होता है एच जेड, कैपिटल एच और स्मॉल जेड. समझ आया बेटा, वो एच जेड क्या है, सिंबल है किसका, हर्ट्ज का. तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपसे एक लेबल करवाएंगे डायग्राम ह्यूमन आई का. तो देखो ये एक ह्यूमन आई है, ये क्या है, सिलियरी मसल्स है, ये क्रिस्टलाइन लेंस है, ये एक्वस ह्यूमर है, ये प्यूपिल है, ये आयरिस है, ये कॉर्निया है. ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे क्या होता है, सिलेरी मसल्स होती है, यहाँ पर क्या होता है, क्रिस्टलाइन लेंस होता है. ये क्या होता है बेटा, ये होता है एक्वस ह्यूमर, और सामने टक्कर पे क्या होता है, प्यूपिल क्लियर है, ये क्या होता है, आयरिस होता है, और ये क्या है, कॉर्निया. क्लियर हुआ है आपको बेटा, समझ आया इतना नहीं आया, क्लियर हो रहे होंगे, समझ तो आ रहे होंगे ना बेटा ये वाले. देखो और क्लियर कर दिए मैंने, गौर से देखो. समझ आया बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, ठीक है, इसमें आपको बोला हुआ है आपको एग्जांपल देना है क्वेश्चन 10th का ऑप्शन में. हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर आईज, हम अपनी आंखों को कैसे ध्यान रख सकते हैं. तो हम कई तरीके से अपनी आंखों का ध्यान रखते हैं. फर्स्ट, हैव अ रेगुलर चेकअप विद द आई स्पेशलिस्ट, हमें अपनी आंखों का रेगुलर चेकअप कराना चाहिए. सेकंड, डू नॉट रब योर आईज, अपनी आंखों को हमें घिसना नहीं चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए. थर्ड, रेगुलर वॉश योर आईज विद क्लीन वाटर, हमें अपनी आंखों को क्लीन वाटर से साफ करना चाहिए लगातार. फोर्थ, डू नॉट रीड बुक टू क्लोज और टू फार फ्रॉम द आई एज इट इज कॉज स्ट्रेस, हमें बहुत दूर से और बहुत पास से नहीं देखना चाहिए, उससे आंखों को स्ट्रेस मिलता है. फिफ्थ, हैव अ प्रॉपर डाइट, और हमें अच्छा खाना खाना चाहिए. इन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, अपनी आंखों को हेल्दी रख सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल बैग्स आर प्रोवाइडेड विद द ब्रॉड स्ट्रैप्स एंड नॉट थिन स्ट्रिप, व्हाई. तो स्कूल बैग जो होते हैं उनकी जो स्ट्रिप होती है वो बड़ी होती है, चौड़ी होती है, पतली क्यों नहीं होती. तो स्कूल बैग्स आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्ट्रैप टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, इससे ऐसा क्यों करते हैं, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, अभी बताया था ना. तो इंक्रीज द सरफेस एरिया इन कॉन्टेक्ट विद द शोल्डर, शोल्डर में सरफेस एरिया बढ़ जाए, रिड्यूस द प्रेशर ऑन द शोल्डर, शोल्डर का प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए. ऑफ इफ थिन स्ट्रिप वुड बी यूज, अगर पतली स्ट्रिप लगाएंगे तो सरफेस एरिया इन कॉन्टेक्ट विद द शोल्डर वुड डिक्रीज, तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा और इंक्रीज क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑन शोल्डर, और जिससे हमारे को क्या होगा, अपने शोल्डर पे दर्द दिखाई देगा. तो इसलिए क्या करते हैं, चौड़ी स्ट्रिप लगाते हैं ताकि सरफेस एरिया क्या हो जाए, वो बढ़ जाए और प्रेशर कम हो जाए. ये क्वेश्चन नंबर 11 था. चलिए सेक्शन सी करते हैं बेटा. सेक्शन सी, हम क्वेश्चन 12 में एक पैसेज है उसको अच्छी के हिसाब से हमें बताना है. फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ इरिगेशन, तो हमारे को किस, कौन सा ऐसा सोर्स है जिसमें, जिससे हम क्या पानी की को खेतों में नहीं डाल सकते. तो हम गैस पाइपलाइन से, गैस पाइपलाइन से क्या होता है, गैस आती है, क्या हम उससे क्या पानी डाल देंगे खेतों में. तो इसका गलत ऑप्शन कौन सा है, गैस पाइपलाइन, उससे हम कोई भी इरिगेशन नहीं कर सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर. तो फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल क्या है, यूरिया. तो फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल क्या होता है बेटा, यूरिया. थर्ड है, पैडी इज ग्रोन इन द रेनी सीजन, पैडी रेनी सीजन में ग्रोन होती है. तो इसका आंसर है बी, इट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि उसे बहुत पानी की जरूरत होती है, इसीलिए वो कब होती है, रेनी सीजन में होती है. क्लियर हो गया इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा. थर्ड में पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल यूज इन एग्रीकल्चर, कौन सा टूल एग्रीकल्चर में यूज नहीं करते. तो फर्टिलाइजर नहीं करते, फर्टिलाइजर कोई टूल नहीं है, फर्टिलाइजर क्या है, ये ह्यूमस की तरह है, जो खाद की तरह होता है, पर ये केमिकली होता है, जो क्या करता है, क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्प करता है, क्रॉप को बढ़ाने में हेल्प करता है, ना कि उसकी किसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में हेल्प करता है. तो फर्टिलाइजर कोई टूल्स नहीं है. क्वेश्चन 13 में बेटा पैसेज दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने. फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, वेल लाइट बाउंस बैक फ्रॉम द शाइनी सरफेस इज कॉल्ड, जब लाइट बाउंस बैक होगी किसी शाइनी सरफेस पर टकराएगी और वापस आएगी तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे हम रिफ्लेक्शन. क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन, ऑप्शन ए है इसका. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, क्वेश्चन बी,
ऑप्शन बी है बेटा, नेम द डिवाइस यूज टू गेट इमेज ऑफ सन, कौन सी डिवाइस को यूज करें सन की इमेज लेने के लिए। तो आंसर है इसका पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम इमेज ले सकते हैं सन की। थर्ड क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन बन रहे हैं, क्वेश्चन 13 की बात कर रहे हैं। उसका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट को पास करने नहीं देते। तो आंसर है ओपेक, ओपेक ऑब्जेक्ट से लाइट पास नहीं होती, समझ आया। दीवार से क्या तुम बाहर देख सकते हो, नहीं देख सकते ना, ना लकड़ी के फट्टे से तुम अपोजिट साइड देख सकते हो, तो ओपेक ऑब्जेक्टों से लाइट पास नहीं होती। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, और वाला ऑप्शन है एग्जाम्पल बताओ ट्रांसलूसेंट का। तो बटर पेपर, बटर पेपर क्या होता है, वो ट्रांसलूसेंट होता है, उसे हमें दूसरी तरफ दिखाई तो देता है पर क्लियर नहीं दिखाई देता, हमें नॉन क्लियर दिखाई देता है, इसलिए ट्रांसलूसेंट है वो। क्वेश्चन 14, फिर एक पैसेज है, फर्स्ट का आंसर देखिए, द कॉइल ऑफ वायर कंटेन इन द इलेक्ट्रिक हीटर इज नोन एज, जो कॉइल होती है वायर की इलेक्ट्रिक हीटर में लगी हुई होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बेटा एलिमेंट। तो ऑप्शन क्या है इसका, बी ऑप्शन है, क्या बोलते हैं उसे, एलिमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एन इलेक्ट्रिक आयरन इज एग्जाम्पल ऑफ, इलेक्ट्रिक आयरन किसका एग्जाम्पल है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिक आयरन किसका एग्जाम्पल है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। क्वेश्चन 3, द साउंड प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रिक डोर बेल इज ड्यू टू, जो साउंड प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक डोर बेल वो किस कारण से होता है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। ऑप्शन क्या है इसका, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ऑप्शन में फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी, एमसी के फुल फॉर्म में मिनिएचर सर्किट ब्रेक्स, क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेक्स, फुल फॉर्म ऑफ एमसी। क्वेश्चन 15 बेटा, मैच द फॉलोइंग, देखो फटाफट, पहले वाला है ए, लुईस पाश्चर, लुईस पाश्चर ने दी थी फर्मेंटेशन, तो ए का ऑप्शन क्या होगा, ए टू से जोड़ेंगे, लुईस पाश्चर के लिए क्या होगा, फर्मेंटेशन, ठीक है बेटा। जल्दी से देखो, मैं समझा देता हूँ फटाफट से, तो मैच द फॉलोइंग पता लग गए, तो लुईस पाश्चर का क्या है आपको पता लग गया, लुईस पाश्चर फर्मेंटेशन, एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन, एडवर्ड जेनर वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, एल्गी क्लाइमोमोडास प्रिजर्वेटिव्स, सोडियम बेंजीन, और एंथ्रेक्स क्या है बेटा, कैटल डिजीज। ये बात क्लियर है आपको, चलिए बेटा आगे करते हैं। नेक्स्ट है बेटा, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली। तो देखो पहली वाली स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है, बेसिलस एंथ्रेसियस कॉज मलेरिया, तो इसका आंसर है एंथ्रेक्स होना चाहिए, बेसिलस एंथ्रेसियस कुछ नहीं है, तो यहाँ आएगा एंथ्रेक्स क्या है, कॉज ऑफ मलेरिया डिजीज। नेक्स्ट है, शुगर इज यूज टू प्रिजर्व आंवला और मैंगो पिकल, क्या हम चीनी डालते हैं आम के अचार में, नहीं, हम क्या डालते हैं, सॉल्ट, तो इसका आंसर क्या होगा, सॉल्ट सेकंड का। नेक्स्ट है लुईस पास्कल, लुईस पास्कल नहीं था, साइंटिस्ट का नाम था लुईस पास्चर, तो लुईस पास्चर ने क्या डिस्कवर करी थी, उसने क्या डिस्कवर करती, पास्चराइजेशन, तो लुईस पास्चर करेक्ट आंसर है ना कि पास्कल। फोर्थ है राइजोबियम लिव्स इन द स्टेम नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट, तो यहाँ पे रूट आएगा, इसने क्या लिख दिया, राइजोबियम लिव्स, राइजोबियम रूट्स है, इसका आंसर क्या होगा, रूट्स आएगा, इन द रूट्स नोड्यूल, जो स्टेम नोड्यूल है उसकी जगह क्या लगाएंगे, रूट, स्टेम की जगह पे रूट। इसका अवर एटमोस्फेयर है 20%, हमारे एटमोस्फेयर में कितना है, 78% नाइट्रोजन है ना कि 20%। इसके बाद द ब्रेड और इडली डो राइज बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस बाई ईस्ट, ईस्ट ऑक्सीजन कभी प्रोड्यूस नहीं करता, ईस्ट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण इडली और ब्रेड वगैरह क्या होती है, फ्लफी हो जाती है, केक क्या हो जाता है, फ्लफी हो जाता है बेटा।